समाचार में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं कुछ सुर्खियों पर। टिकट के बढ़ोतरी के वजह से एसटी के उपन्न में बढ़ोतरी। एम्बुलेंस में आग लगने के कारण एक दिन की नन्ही जान वो अपनी जान गंवानी पड़ी। नैना क्षेत्र में चल रहा है अवैध बांधकाम। नवी मुंबई के स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव को आखिरकार मंजूरी मिली। नवी मुंबई घनसोली के तलवल इलाका में बिजली की तार गिरने से एक लड़की घायल। नवी मुंबई के स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव मंजूर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र म्युनिसिपल अधिनियम 450 के अंतर्गत मंजूरी दी है। विवादों में छाई हुई नवी मुंबई स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव पर आखिरकार मोहर लग गई है। नागपुर अधिवेशन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र म्युनिसिपल अधिनियम 450 के अंतर्गत नवी मुंबई स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दे दी है। नवी मुंबई स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव को लेकर पालिका के महासभा के बैठक में गर्मागर्मी का माहौल बना हुआ था। इसी संदर्भ में आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी अंतिम मोहर लगा दी है। मुंबई करों को स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव को मंजूरी करके उन्हें एक बड़ा दिलासा दिया गया है। इसका श्रेय ठाणे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार मंदा मात्रे, विरोधी पक्ष नेता विजय चौगुले, नगर सेवक किशोर पाटकर इनको गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MBTV। नैना क्षेत्र में आज भी अवैध बांधकामों का सिलसिला शुरू है। बड़े बड़े घरों की योजना निर्माण की जा रही है, पर इसमें सावधानी बरतने को सिडको ने नागरिकों को कहा है। धोखाधड़ी से बचने के लिए पूरी जांच करें, यह भी सिडको ने अधिसूचित किया है। मुंबई से भी दुगना क्षेत्र नैना क्षेत्र के नियोजन प्राधिकरण के लिए सरकार ने सिडको को चुना है। इसलिए इस क्षेत्र में कोई भी बांधकाम करने से पहले सिडको की अनुमति होना जरूरी है। ऐसा होने पर भी कोई भी अनुमति न लेते हुए इस क्षेत्र में बांधकामों का सिलसिला जारी है। अनुमति न लेकर किए गए अनाधिकृत प्रोजेक्ट पर कार्रवाई की जाएगी। इस बात का असर उस प्रोजेक्ट में होने वाले ग्राहकों पर हो सकता है। इसलिए लोगों को अपनी होने वाली धोखाधड़ी से बचने के लिए सावधान रहकर सारे कागज पत्रों की जांच करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MBTV। घनसोली स्थित तलवली नाका में गुरुवार के शाम को बिजली की तार गिरने से एक 16 साल की लड़की घायल हो गई है। नवी मुंबई घनसोली स्थित तलवली नाका में गुरुवार के शाम तकरीबन 5:30 के बीच बिजली के तार के गिरने से 16 वर्षीय लड़की घायल हो गई। तलवली नाका में रहने वाले एक परिवार गुरुवार के शाम में दहशत में आ गया, जब उन्हें पता चला कि उनके ही परिवार की एक सदस्य बिजली के तार के चपेट में आ गई है, तो उसे तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। फिलहाल अभी लड़की की हालत गंभीर है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि MSCB को इसकी कंप्लेंट करने के बावजूद भी इसे अनदेखा कर रही है। ये मैम 15 दिन 10 दिन में टूटता है मैम, ये लास्ट टाइम नहीं है, ये हर 15 दिन में वायर टूटता है, ये 6 महीने से चालू है मैम। एक हुआ था मैम, एक हुआ था बच्चे के साथ में, उधर हो गया था, तो वो बच्चा भी सेम ऐसे हो गया, उसको भी हमने बच लिया, वो भी बच गया। उस टाइम पे भी कोई एक्शन नहीं लिया और इस टाइम पे तो उससे ज्यादा हो गया। उसके लिए भी इस टाइम पे हम लोग ने न्यूज वाले को बुलाया कि ये सब बात मान, तो इसके वजह से कुछ तो हमारा हेल्प हो सके। हम आपको बता दें कि इस तरह की घटना तलवली नाका में आम हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MBTV। ठाणे के वर्तन नगर में से वेदांत हॉस्पिटल के संकुल से 2 खासगी एम्बुलेंस का विस्फोट हुआ। इस आग में एक दिन की नन्ही सी बच्चे की जान चली गई। गैस सिलेंडर के विस्फोट के वजह से एम्बुलेंस को आग लगी है, ऐसा सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है। MH435318 इस क्रमांक के एम्बुलेंस को यह आग लगी है। ठाणे नगर के अग्निशमक दल वालों ने यह आग बुझाई है। यह स्फोट इतना भयानक था कि वहां के एम्बुलेंस जल के खाक हो गई। इतना ही नहीं, इस स्फोट के आवाज के कारण आजू बाजू के इमारतों की कांच भी टूट गई है। इस आग में एक डॉक्टर और नर्स भी घायल हुए हैं। दोनों को भी ठाणा सिविल हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल किया है। और इस आग में एक दिन की नन्ही बच्ची की भी जान चली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MBTV। सिडको क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से चल रहे पानी कटौती के वजह से निवासियों में बड़ी नाराजगी छाई है। निवासियों के क्रोध के वजह से पानी आपूर्ति विभाग के शासकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नई पनवेल और खांदा कॉलोनी में 4040 सदनिका और 2650 बिल्डिंग है। कलमबुली में 5900 सदनिका और 1150 बिल्डिंग है, जो दिन बे दिन बढ़ती जा रही है।
जिस वजह से सड़कों के जल आपूर्ति करने के लिए एलपीजी से 85 MLD पानी की जरूरत है। खारगर और कामोठे में 5,000 से भी अधिक ग्राहक है जिन्हें 50 से भी ज्यादा MLD पानी की आवश्यकता है, जिसके लिए नवी मुंबई महापालिका के तरफ से 38 MLD पानी लेना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के प्राधिकरण ने 25% पानी कटौती की है। नवी मुंबई पालिका ने भी पानी कटौती की है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। राज्य परिवहन सेवा के ठाणे विभाग को पूरे नवंबर में 2,95,00,000 का उत्पन्न मिला। उसमें से दीपावली की सीजन में टिकट बढ़ोतरी की वजह से 1,42,00,000 की भर हुई, ऐसा सूत्रों से पता चला है। पिछले महीने के काम की जानकारी ठाणे विभाग के कार्यालय में की गई। इसमें राज्य के सभी डेपो से आई जानकारी से यह बात पता चली है। 5 से 25 नवंबर के मतलब दिवाली के सीजन में एसटी के सादे बस में 10% तो वोल्वो बस में 20% टिकट बढ़ाया गया। राज्य के ठाणा डेपो 1, ठाणा डेपो 2, भिवंडी, शाहपुर, कल्याण, मुरबाड, विठलवाड़ी और वाड़ इस 8 डेपो में 125 ज्यादा गाड़ियां छोड़ी गई और कर्मचारियों को बढ़ावा देने के लिए बख्शीश वितरण भी रखा गया। महीने में ठाणा विभाग ने 21,44,86,000 की कमाई की है। इस साल इसमें 2,85,01,000 रुपयों का ज्यादा उत्पन्न मिला है। पिछले साल दिवाली के सीजन में 5,98,43,000 उत्पन्न मिला है। इस साल से 7,32,11,000 होकर उसमें 1,42,38,000 इतनी रकम बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। आज के समाचार में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।